हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के टॉपिक को, विच इज़ सेट्स चैप्टर 1। बच्चों, मेरी ये एडवाइस होगी कि हर एक चैप्टर को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज यही चीज़ें आपको आगे चल के डिफ़िकल्टी दे सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अपनी DPQs करेंगे यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट्स करेंगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग JEE के लिए करना चाहते हैं तैयारी, उनके लिए सेपरेट क्वेश्चंस और सेपरेट DPQs तैयार की जाएंगे, जो कि सिर्फ MCQ पार्ट होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रास्ता कौन सा चुनना है, और रास्ता हमें चुनना जो है वो मेहनत का है। सो मेरी एडवाइस आपको ये है, बहुत मेहनत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फंडामेंटल्स। बेसिक्स अपने किसी भी चैप्टर के इम्प्रूव करने हैं, जहाँ जहाँ पे बोला जाएगा कि इन चीज़ों को ध्यान से करना है, उनको और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके समझना है। एंड लेट्स गेट गोइंग, स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 विच इज़ सेट्स। अब अगर हम सेट्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सेट है क्या, व्हाट इज़ अ सेट। अगर हम सेट्स का बुकिश मीनिंग समझें, तो सेट इज़ ऑलवेज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और मेरे अकॉर्डिंगली ये बड़ी ही वेग सी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस चीज़ को समझते हैं और हमें ये भी समझ में आएगा कि सेट क्या होता है। मैं ज़्यादा लंबे नहीं रखूँगा लेक्चर्स, लेकिन हाँ, नंबर्स में ये लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हर एक लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे, आई डेफिनेटली ट्राई कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए जाएं। चलिए अब बात करते हैं कि सिस्टम है क्या सेट्स का। देखिए यहाँ पे लिखा है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को थोड़ा स्प्लिट करके समझना चाहिए, कलेक्शन होती क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि वी डू डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन। जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं, उनके पास वॉचेस की कलेक्शन होती है, जूतों की कलेक्शन होती है, राइट, बुक्स की कलेक्शन होती है स्टूडियस स्टूडेंट्स के पास, स्टैम्प्स की कलेक्शन करते हैं, अगर आपको याद हो पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स जो होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आती हैं कलेक्शन में। हमें ये तो पता चल गया कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना डिफरेंट चीज़ों को। लेकिन वेल डिफाइंड क्या है, अब इन बातों का मीनिंग समझते हैं। तो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब कि क्लैरिटी, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कलेक्शन है क्या। मान लीजिए मैंने आपको बोला, एक वेग सी एग्जाम्पल लेते हैं कि 10-12 तरह के फूल ले आइए, ठीक है। अब कोई अगर स्टूडेंट इस बात को समझता है कि सर ने बोला है 10-12 तरह के फूल लाने हैं, तो ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट ये 10-12 तरह के फूल अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई रोज़ ले आया, कोई कोई फूल ले आया, कोई कोई ले आया, और ये चीज़ मैंने बोली है कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट्स को कि कोई रोज़, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड कोई ले आया, दूसरा कोई और तरह के फ्लावर्स ले आया, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कोशिश की और फ्लावर्स आ गए। लेकिन आप ये देखिए कि देर इज़ अ ग्रेट चांस कि हर बंदा अलग फ्लावर्स लेके आया है, बिकॉज आई डिड नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ फ्लावर्स वेल। मैंने अच्छी तरह से डिफाइन ही नहीं किया कि कौन से फ्लावर्स लेके आने हैं। अगर मैं ये बोल देता कि आपको रेड रोज़ ही लेके आने हैं, तो हर बंदा रेड रोज़ ही लेके आता। ये तो एक वेग एग्जाम्पल है। अब चलिए एक और बात करते हैं। दूसरी बात क्या आ सकती है हमारे पास, कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि आप बिफोर 10 इवन पॉजिटिव नंबर्स लिख दीजिए, इवन पॉजिटिव नंबर्स। अब आप इसमें देखिए कि इवन पॉजिटिव नंबर्स मुझे लिखने हैं, तो 2, 4, 6 एंड 8, इन चार नंबर्स के अलावा तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। चाहे कोई भी हो, हर स्टूडेंट को ये आंसर देना चाहिए, और वो देंगे भी, क्योंकि बिफोर 10
इवन पॉजिटिव नंबर्स यही होते हैं। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई 8, 6, 2, 4 ऐसे करके कोई बोल सकता है, लेकिन नंबर ये चार ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनको अब जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसे वेल डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से देखिए, मैं किसी भी स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि भाई साहब बताइए कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है। अब किसी के अकॉर्डिंगली महेंद्र सिंह धोनी है, कोई कहता रिकी पॉन्टिंग है, कोई कहता सचिन तेंदुलकर है, कोई कहता विराट कोहली है। क्यों? क्योंकि मैंने वेल डिफाइन नहीं किया चीज़ को। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि नेम अ क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, तो सभी को सचिन तेंदुलकर बोलना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। अब क्या हुआ, ये वेल डिफाइन हो गया। सो आई होप आपको पता चला होगा कि वेल डिफाइन क्या होता है। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें। अब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ आपको और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं हमेशा ये एग्जांपल कोट करता हूँ। मान लीजिए आई हैव अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ABCDE अप टिल Z, राइट? नाउ व्हाट आई एम आस्किंग टू द स्टूडेंट्स कि फॉर्म अ सेट ऑफ वॉवल्स। अब देखिए, आउट ऑफ वॉवल्स जो मैं कलेक्शन ऑफ सेट्स बनाऊंगा वो क्या होगा, AEIO एंड U, दैट इज अ सेट, क्योंकि मैंने अब इसको वेल डिफाइन कर दिया है। मैंने बोला कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अब मैं आपसे बोल देता कि कोई 5 अल्फ़ाबेट्स चुन लीजिए, कोई ABCDE चुन लेता, कोई कुछ चुन लेता, कोई कुछ चुन लेता, लेकिन मैंने जब बोल दिया है कि आपको 5 वॉवल्स चुनने हैं या सिर्फ वॉवल्स चुनने हैं, तो 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी रहती, कोई भी कन्फ्यूजन रहती, या किसी और का आंसर मेरे से डिफरेंट आ सकता है, इट मीन्स That is not a set. अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाता कि यूनियन टेरिटरीज का सेट बनाइए। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, 7, वी नो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, वो हम लिख देते तो ये सेट बन जाता इजीली। करंट डेट में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, आगे जाके कम ज़्यादा हो जाती हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये मत बोलिएगा कि सर ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। हैविंग सेट दैट, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें सेट्स में इंक्लूड होती हैं। आई होप द मीनिंग ऑफ सेट इज़ क्लियर टू यू। नाउ देखिए, एक सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि जितने भी लोग उस चीज़ को देखें और समझें, सबका आंसर सेम आता जाए। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ सेट्स, राइट? चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट हमने लिखा बिफोर 10 इवन नंबर्स का 2, 4, 6, 8। जो रूल होते हैं, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आते हैं और कैपिटल लेटर से ही इनको डिनोट किया जाता है ऑलवेज, ठीक है? और जो अंदर वाली चीज़ें हैं इनको हम कॉमा से अलग करते हैं। जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। सो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ओके? इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, कुछ बुक्स इनको मेंबर्स बोलती हैं। सेट हमेशा किस में एनक्लोज रहता है, कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज रहता है, ठीक है? ये भी हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में उनको रखा जाता है, अंदर वाले जो होते हैं उनको एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट बोला जाता है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, या आई शुड से कि कौन कौन सी चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं उनका हमने नाम दिया हुआ है। लेट अस सी। देखिए, ये वो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं मैथमेटिक्स में। जैसे नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा। देखिए, आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम नॉर्मली Z से डिनोट करते हैं। तो
यहाँ पे इंटीजर्स को आप आए भी ले सकते हैं, लेकिन कई बुक्स में इंटीजर्स को आई की जगह पे जेड बोला जाता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने जेड बोला है तो क्या वो इंटीजर्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपनी पहचान इजीली बता देते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये कि जेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक बात है। उसके बाद क्यू जो होता है हमें पता है, बचपन से देखते आए हम, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आई प्लस लिख सकते हैं या जेड प्लस आ गया तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस आ गया सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस आ गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, एक टी होता है, दैट इज द सेट ऑफ व्हाट, इरेशनल नंबर्स, ये आपने याद रखना है। सो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि सेट्स क्या होते हैं। वेल डिफाइन होनी चाहिए कोई भी चीज़, सेट्स हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, अभी आपको डी पी क्यूज भी मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे या मैं करवाऊंगा भी, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेट्स में आ जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सेट्स इंट्रोड्यूस किसने किए, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि सेट्स का यूज़ क्या क्या है, ये दूसरी बात है। तो आई होप सबको पता होगा कि सेट्स एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, मिस्टर जॉर्ज कैंटोर, ठीक है। सेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। वैसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। सेट्स को बोला जाता है कि जो सेट्स हैं ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का। कहने का मतलब ये है कि हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में सेट्स यूज़ होते हैं। प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़, हर जगह सेट्स यूज़ होते हैं। और कैसे होंगे वो ऑफ कोर्स आपको बताया जाएगा, इसलिए चाहे ये चैप्टर आपको आसान लगे, लेकिन फिर भी इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि सेट्स इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, यानी व्हाट आर द फॉर्म्स टू राइट अ सेट। दो फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।